Good morning to one and all, and good morning to one and all my dear students. Today I am going to discuss about the few points which is related to 11th class accountancy. These are called the basic concept which is related to 11th class. Actually, most of the students are facing a problem in 11th class, and that is the basic points. So I want to discuss about these points one by one, and I hope that will be beneficial for you guys, and you can be understand the deeply concept which is related to 11th class basic accounting terms. So I have some students, they want to ask questions. The first question which you want to ask, yes, Mr. Kausal, ask you. So first question is, what do you mean by drawing? Okay, the first question is, what do you mean by drawing? Exactly, drawing it means that ki agar hum kisi bhi business ke andar mein अगर कोई भी जो ऑनर है वो पर्सनल यूजेस के लिए अगर उसमें से हम फाइनेंशियली कुछ भी पैसा निकालते हैं लाइक अगर इन द टर्म ऑफ मनी या फिर इन द टर्म ऑफ लाइक स्टॉक अगर हम दोनों ही तरीके से उसमें से निकालते हैं तो उसको हम ड्राइंग कहते हैं. अगर हम उसको ड्राइंग अगर हम करते हैं कैश के टर्म में तो उसका जो एंट्री होगा वो ड्राइंग ऑन डेबिट टू कैश हो जाएगा या बैंक हो जाएगा. अगर हम उसको लाइक अगर हम बिजनेस में से जो पैसा एज अ ऑनर अगर हम निकालते हैं और दूसरा है अगर एज अ ऑनर हम बिजनेस में से जो है स्टॉक अगर हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए घर के यूज़ के लिए निकाले तो उसके लिए हम ड्राइंग ऑन डेबिट टू परचेज करते हैं. परचेज क्यों करते हैं ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है. बट बिना उस पर उस स्टॉक को सेल किए हुए हम उसको कहीं ना कहीं उस बिजनेस में से हटा रहे हैं. डेट्स व्हाई परचेज को कम करने के लिए हमें परचेज को क्रेडिट करना होता है. डेट इज द कॉन्सेप्ट विच इज बिहाइंड द रीजन ऑफ परचेज अकाउंट क्रेडिट क्यों होता है. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. यस सर. माई सेकेंड क्वेश्चन इज, वट डू अंडरस्टैंड बाई कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डिफर एक्सपेंडिचर? ओके, थैंक यू. वेल, ये जो क्वेश्चन है कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज इट्स ही चैप्टर और इसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन कैपिटल और रेवेन्यू से रिलेटेड हमारे एक चैप्टर भी डेवलप है जो कि सी ए फाउंडेशन के अंदर में क्वेश्चन भी आते हैं. सी एस फाउंडेशन और सी एम ए फाउंडेशन के अंदर में बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम्स आते हैं. मैं इसको क्लियर करना चाहूँगा. जो एक सबसे पहला है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आप दो तरीके से समझ सकते हो. एक होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसको लाइक हम नॉर्मली बिजनेस को रेगुलर बेसिस पे जो हम खर्चे करते हैं बिजनेस को मेंटेन करने के लिए उसे हम या बिजनेस को रन करने के लिए जो भी हम खर्चे करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस दैट इज कॉल्ड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप एक तरीके से समझ सकते हैं. इसका रीजन इसका आंसर होगा कि लाइक अगर किसी भी बिजनेस के अंदर में जो हमारे जो फिक्स एसेट्स हैं उसको मेंटेन करने के लिए जो भी खर्चा हम करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं. अगर एक मशीन है और मशीन को आप नॉर्मली लाइक विद इन द 15 डेज या वन मंथ में आप अगर उसको सर्विसेज करवाते हो तो वो जो खर्चा होगा वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा. बिजनेस को रन करने के लिए जो भी हमने खर्चे किए हैं और फिक्स एसेट्स को यू नो कि प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने के लिए जो खर्चा करते हैं इसी से रिलेटेड है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर. जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो एग्जैक्टली जो है वो फिक्स एसेट्स के ऊपर में जब भी हम कोई खर्चा करते हैं तो उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं कहते हैं. अब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसके अंदर में आप दो तरीके से इसको समझ सकते हैं कि अगर हम फिक्स एसेट्स खरीद रहे हैं तो हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा या फिर इसको दूसरे तरीके से हम समझें कि जैसे हमारी अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो उससे भी हम क्या मान के चलेंगे कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है. तीसरा जो हमारा एक्सपेंडिचर आपने बताया वो है एक्सपेंडिचर डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. देर आर थ्री टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस राइट नाउ और उसके बाद में कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने अभी डिस्कस किया है एंड थर्ड वन इज अ डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. व्हाट डू यू मीन बाई डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है ऐसे एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट आने वाले 3 to 7 ईयर्स में हमें होता है उसको हम डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं. अब जो डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उसको हमें एक्सपेंसेस तो सपोज डैट कि इफ आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ सम बिजनेस और मैंने कोई एक बिजनेस स्टार्ट किया उसके अंदर मैंने एडवर्टाइजमेंट के लिए मैंने 2 lakh rupees मैंने खर्चे किए. अब वो जो 2 lakh rupees हमने एक्सपेंडिचर किए हैं एडवर्टाइजमेंट के ऊपर में उसका बेनिफिट हमें आने वाले 3 to 4 years सपोज डैट कि 4 years में होगा हमारा तो वो जो एक्सपेंडिचर मैंने 2 lakh rupees किए हैं उसको हम 4
ये इसमें डिवाइड कर देंगे। अगर फर्स्ट ईयर में हमने 50,000 माइनस करेंगे तो फिर सेकेंड ईयर में फिर 50,000 माइनस होगा, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, तब जाके तो वो जो हमने एक्सपेंडिचर टोटल मिलाकर के फर्स्ट ईयर में 2 लाख रुपीज़ कर दिए, तो उस एक्सपेंडिचर को हम क्या फर्स्ट ईयर में ही पी एंड एल अकाउंट में अगर हम डेबिट साइड में दिखाएं एज अ एक्सपेंडिचर तो वो कहीं ना कहीं सही नहीं होगा। तो हम उसको कैसे राइट ऑफ करते हैं, तो डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो उसको हम राइट ऑफ करते हैं फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फाइनली में। फर्स्ट ईयर में करने के बाद में जो बैलेंस बच जाता है तब तक के लिए हम उसको क्या मान के चलेंगे, एसेट्स है हमारे लिए, क्योंकि अब उसका बेनिफिटेड होना बाकी है, और उसको हम एसेट्स मान के चलेंगे और उसको एसेट साइड में हम उसको शो करते हैं एज अ फिक्टीडियस एसेट्स हम उसको बोलते हैं। देखो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे हम कोई भी एक्सपेंडिचर करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, ये मैं जो 3 पॉइंट अभी बताया मैंने तीनों एक्सपेंडिचर का, इसका तीनों का एक्सपेंडिचर का ही तीनों एसेट्स ही बनेगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से हमारा क्या बनेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से हमारा करेंट एसेट्स बनता है, उसके बाद में कैपिटल एक्सपेंडिचर जब हम करते हैं तो उससे हमारा फिक्स एसेट्स क्या होता है, और जो हमारा डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उससे जो हमारा एसेट्स क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं फिक्टीडियस एसेट्स, या फिर उसका नाम नॉमिनल एसेट्स भी होता है। सो आई होप कि आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा जिसको मैंने डिटेल से बताने की कोशिश किया है। थैंक यू। थैंक यू सर। अब माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। ओके, जो क्वेश्चन है आपका वो है कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, ये दो टाइप के हमारे रिसिप्ट होते हैं। डेफर रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं होता कभी भी, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँ। इसमें दो क्वेश्चन बनता है, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। देखिए जो कैपिटल रिसिप्ट होता है और रेवेन्यू रिसिप्ट होता है उसको मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर हम कोई चीज़ एक्सपेंडिचर करते हैं तो उसे हमें रिसिप्ट भी वहाँ से मिल रहा है, तो रिसिप्ट में जैसे अगर हमने रेवेन्यू नेचर का रिसिप्ट का मतलब होता है जिस चीज़ का हमारा बिजनेस है, जिस बिजनेस का जो हमारा पर्पज़ है उसको सेल आउट करने के बाद में जो हमें पेमेंट रिसीव हो रही है। सपोज डैट इफ आई एम रनिंग अ इंस्टीट्यूट, मैं यहाँ से जो फीसेज मेरे लिए जो कलेक्ट हो रहा है ना रेगुलर बेसिस, दैट इज कॉल्ड द रेवेन्यू रिसिप्ट फॉर मी। अगर कोई फर्नीचर का बिजनेस कर रहा है और उसको फर्नीचर को बेचने, सेल आउट करने से जो पैसा रिसीव होगा वो उसके लिए क्या हो जाएगा, वो रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा। कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, जब आप किसी फिक्स एसेट्स को सेल आउट करते हैं उससे जो पेमेंट आपको मिल रहा है दैट इज कॉल्ड द कैपिटल रिसिप्ट, राइट। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट। किसी भी बिजनेस के अंदर में रेवेन्यू रिसिप्ट का ज़्यादा होना दैट इज गुड, है ना। तो रेवेन्यू रिसिप्ट के ऊपर में हम कोशिश करते हैं कि हमारा बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू हमें जनरेट हो, और जितना रेवेन्यू जनरेट होगा उससे उतना ही वो बिजनेस क्या होगा, डेवलप होगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, माय लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इवेंट एंड ट्रांजेक्शन। ओके, ये जब हम 11th क्लास में जाते हैं तो सबसे पहला एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि सर अकाउंट्स समझ में आ गया, अकाउंट्स क्या है। अकाउंट्स के अंदर में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, उनको कैलकुलेट करना, और एट लास्ट उससे बिजनेस के इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, लाइक प्रॉफिट या लॉस या व्हाटएवर जो भी होता है। तो अकाउंटिंग का एक प्रोसीजर होता है कि हम उसको कैसे जो है ना प्रिपरेशन कर, कैसे हम उसको प्रिपेयर करते हैं सारे अकाउंटिंग जो अकाउंट्स हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको एक सबसे पहले तो बिजनेस आपको समझना होगा अकाउंट्स के लिए। तो बिजनेस को मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। बिजनेस नॉर्मली अगर आप 11th लेवल और 12th लेवल में आप समझने की कोशिश करें तो नॉर्मली जो हमारा बिजनेस होता है वो सबसे छोटे लेवल का बिजनेस होता है जिसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहते हैं, जिसमें ऑनरशिप एक बंदे का होता है। उसके बाद में जो हमारा बिजनेस होता है वो होता है हमारा पार्टनरशिप बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए ऑनरशिप एक अकेला होता है, रिक्स भी अकेला होता है। जो हमारे गलियों में, जो हमारे आसपास में जो छोटे मोटे बिजनेस आपको जो भी आपको बिजनेस दिख रहा है ये सारे के सारे हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है। इसके लिए कोई स्पेशल लॉ या फिर कोई एक्ट नहीं बना हुआ है, नॉर्मली इस बिजनेस को रन करते हैं और इसके लिए अकाउंटिंग कोई लॉ नहीं है। दूसरे बेसिस पे अगर मैं बात करूँ तो दूसरा जो बिजनेस होता है हमारा वो होता है हमारा पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस के लिए नॉर्मली हमारा दो एक्ट बना हुआ है। पार्टनरशिप जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है यूएलपी और एक होता है एलएलपी। यूएलपी का मतलब होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और जिसके लिए एक्ट स्पेशली बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं 1932। और दूसरा जो हमारा पार्टनरशिप है उसे बोलते हैं एलएलपी, अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। देखिए अब जो यूएलपी है, अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप,
वो जो हमारा बिजनेस है उसको हम कैसे रन करते हैं, उसके लिए रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसीजर है, जब आप इन सारे एक्ट को डीपली बेसिस पे पढ़ोगे आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगा, राइट। उसके अंदर में जो है मैं आपको LLP और ULP के बारे में बताया था आपको बिजनेस से रिलेटेड। उसमें जो नेक्स्ट है जो मेरा क्वेश्चन था वो क्या था वैसे, What is different between event and transaction? Exactly, event और transactions की मैं बात कर रहा था, उससे related मैं आपको business समझा रहा था। तो business जो है आपका पहला business आपको समझ में आ गया, sole proprietorship, फिर partnership होता है और फिर होता है हमारा company। तो companies के लिए जो हमारा act है वो है Companies Act 2013, उसमें companies से related जितने भी rules and regulations हैं वो सारे के सारे points हैं उसके अंदर। नेक्स्ट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें इवेंट और ट्रांजेक्शन्स में क्या डिफरेंस होता है। ऑब्वियसली बात है इवेंट और ट्रांजेक्शन्स के अंदर में जो डिफरेंसेस है हमारा वो मैं आपको बता दूँ। किसी बिजनेस को रन करने के लिए सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स नॉर्मली होता है, और जब वो ट्रांजेक्शन्स होगा, जब कोई भी लेन देन हम कोई ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जब वो ट्रांजेक्शन्स होगा उस ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक में अकाउंटिंग प्रोसीजर के अकॉर्डिंग, और उसको रिकॉर्ड करने के बाद में उसके बेसिस पे हम उसका रिजल्ट निकालते हैं। जब उसमें से जो रिजल्ट निकल के आएगा उसको हम इवेंट कहते हैं, ठीक है। तो देखो ट्रांजेक्शन्स आप चाहे बिजनेस के अंदर में सेल का, परचेज का, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, वट एवर जो भी हम बिजनेस में कर रहे हैं बिजनेस से रिलेटेड, वो सारे के सारे जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उसको पहले रिकॉर्ड करना, डैट इज कॉल्ड द ट्रांजेक्शन्स, राइट। और जहाँ पे भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स होगा, लेन देन होगा बिजनेस से रिलेटेड, और फिर उन सारे रिकॉर्ड करने के बाद में उसमें से हमें क्या निकालना होता है कि हमारे बिजनेस में क्लोजिंग स्टॉक कितना है, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक को निकालने के लिए हमें जो है अकाउंट को तैयार करना होगा, हमें बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है उसके लिए पेंडल बनाना पड़ेगा, हमें बिजनेस के अंदर में कितने हमारे एसेट्स, कितने कैपिटल्स एंड लायबिलिटीज हैं उसके लिए बैलेंस शीट निकालना पड़ेगा। सो यू नो ये सारी चीज़ों को जो हम निकालने के लिए जो हम अकाउंट्स को कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद में जो हमें रिजल्ट निकल के आता है, दैट इज कॉल्ड इवेंट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी देखो इस टाइप से मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स को मैं ले रहा हूँ जो कि डिफिकल्टीज आती हैं स्टूडेंट्स को समझने में। आई होप कि इसके भी कि इस तरीके से मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा पाऊँ, मेरी कोशिश है कि स्टूडेंट्स को घर पर भी रिवाइज कर सके। सो इस टाइप की और भी मैं वीडियोज़ बनाऊँगा विच इज़ रिलेटेड टू अकाउंट्स, एंड आई होप कि आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, दैट्स इट।